हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथाकॉम। और मैथाकॉम आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेगा। आज का विषय है हम डिप्लोमा का किसी भी ब्रांच या कोई भी सब्जेक्ट किस तरह आसानी से पास कर लेवे। तो पास करने का जो तरीका है वो मैंने चार स्टेप्स में बांटा है। चार टिप्स आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत ही आसान टिप्स है। उन टिप्स को फॉलो करके आप किसी भी पेपर में 60-70% मार्क्स आसानी से लेकर आ सकते हैं। क्योंकि जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो मैं अक्सर बच्चों के मुँह से सुनता हूँ कि चार वीक लग गए, पाँच वीक लग गए। तब यह आश्चर्य होता है कि सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न इतना आसान है फिर भी आप लोगों के बैक्स कैसे रह जाती है। उन्हीं बच्चों के हेल्प के लिए ये वीडियो लेक्चर में लेके आया हूँ। तो ये जो टिप्स है मैंने इनको चार पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला पार्ट है डाउनलोडिंग, दूसरा पार्ट है मार्किंग और तीसरा पार्ट है लर्निंग। फोर्थ टिप्स है इसमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को बताने के लिए मेरे पास दो स्टोरीज है या कह सकते हैं दो एग्जाम्पल्स है जिनकी हेल्प लास्ट टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप है आप लोगों के लिए, वो है डाउनलोडिंग। अब डाउनलोडिंग में मुझे डाउनलोड क्या करना है? डाउनलोड एग्जाम का पेपर तो नहीं करना है ऑब्वियसली, मुझे क्या डाउनलोड करना है? हमें क्या करना है कि आपसे आप जिस भी बोर्ड में डिप्लोमा कर रहे हैं उस बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए। उस बोर्ड की वेबसाइट पर जाने के बाद आप जिस भी सब्जेक्ट के बारे में सर्च करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा सिलेबस डाउनलोड करने का। दूसरा काम होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस 4-5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर ये दो काम कर लेते हैं तो 20% आप एग्जाम में पास हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है आप लोगों की मार्किंग। अब मार्किंग के लिए थोड़ी मेहनत करनी है। थोड़ी मेहनत में क्या करना है हमें कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने डाउनलोड किए उनको रेफरेंस बनाकर उनके आधार पर सबसे पहले हमें सिलेबस में क्या करना है, हर यूनिट के मार्क्स अप्रोक्सीमेट मार्क्स आप लोगों को लिख देने हैं यूनिट के सामने। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सी यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं बात करूँ EL 307 लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डिजाइन, इसके जब सिलेबस में मार्किंग करने जाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पे तो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है सेकंड यूनिट। इसमें से 30-35 मार्क्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसी तरह 302 में अगर मैं बात करने जाता हूँ एडवांस माइक्रो प्रोसेसर, उसमें आपकी फोर्थ यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसमें से भी 30-35 मार्क्स से क्वेश्चन एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। इस तरह जब आप मार्किंग कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर को बेस बनाकर सिलेबस में यूनिट वाइज, तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी यूनिट मुझे सबसे पहले पढ़नी ही पढ़नी है अगर इस पेपर को क्लियर करना है। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मार्किंग वाली स्टेप में ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उसके जो क्वेश्चन थे उनके जो आंसर्स है उनको आपके पर्टिकुलर नोट्स बुक है उसमें मार्क कर लेना है। कि जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन 8255 IC या ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8255 IC, तो उसका जो आंसर है आप लोगों को अपने नोट्स में या फिर बुक में मार्क कर लेना है। ये तो काम हो गया आपका मार्किंग का। तो अभी तक आपने 40% जंग जीत ली है। फिर उसके बाद स्टेप आती है, थर्ड स्टेप है लर्निंग। अब लर्निंग में लर्न क्या करना है, जब मुझे पता चल गया कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट सेकंड यूनिट है तो सबसे पहले मुझे उस सेकंड यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क किए हैं उनके आंसर मार्क किए उनको आप बार बार लिख के, दो बार तीन बार लिख के प्रॉपर डायग्राम बना के, रफ कॉपी में भी प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे। इससे क्या हुआ है आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो एग्जाम में भी अच्छा डायग्राम आप बना पाएंगे। तो ये सारा काम करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि एक अच्छा सा आपका बेस प्रिपेयर हो गया। अब क्या करना है कि उस इम्पोर्टेंट यूनिट के अलावा जो सेकंड इम्पोर्टेंट यूनिट और थर्ड इम्पोर्टेंट यूनिट है उसको भी आप लोग इसी तरह लिख लिख के बार बार प्रिपेयर कर लेना। तो जैसे किसी सब्जेक्ट में 6 यूनिट है तो 3 यूनिट भी आप प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तो आप लोग एग्जाम पेपर में 60-70% मार्क्स लेके आ जाते हैं। अब क्या करना है, अब बच्चे पूछेंगे सर सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन ये है कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक की रूल्स डेफिनेशन फॉर्मूले ही आते हैं। अभी हमने पिछले लेक्चर्स में 307 का पेपर सोल्व किया, 207 का पेपर सोल्व किया, 204 का पेपर सोल्व किया। आप लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव जो पेपर सोल्व किया हमने उसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड फॉर्मूले हैं, रूल्स हैं, डेफिनेशन ही पूछी गई है। तो हम अगर इन टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं सब्जेक्टिव के लिए तो ऑब्जेक्टिव पेपर आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक बार काम करने से दो काम आप लोगों के हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो चौथी टिप आती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, वो है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ये होता है कि मुझे ये दिमाग में सेट कर लेना है कि इस साल इस सब्जेक्ट का पेपर क्लियर करना ही करना है।
मतलब मुझे इस साल एक भी बैग नहीं लगनी चाहिए तो नहीं लगनी चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए, या फिर मेरी पुरानी बैग्स बाकी है, इन सबको इस साल मैं क्लियर करके ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए इसके लिए दुनिया भर क्लियर हो जाए। इस तरह का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अब आप लोग दो कहानी या एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। मेरे पास 2015-16 में एक बच्ची है जयपुर से, वो 2013 की पास आउट थी और 2015-16 में वापस मेरे पास आई, सर मैथ्स के बैग नहीं निकलती है। उसने क्या किया, यहाँ पर 1.5 मंथ रेंट पे रूम लिया और मेरे साथ प्रिपरेशन की और उसकी बैग मिल गई, तो उसे डिटर्मिनेशन कहते हैं। उसने क्या किया, जयपुर रहती थी, जयपुर से वो केवल उसके दिमाग में ये बात थी कि मुझे बैग क्लियर करनी है, तो उसने यहाँ आके रूम लिया और प्रिपरेशन की, उसकी बैग निकल गई। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ कि पिछले साल पिछले सेमेस्टर में पिछले ईयर में एक बच्चे थे जिसके 14 पेपर थे, 10 पेपर सेकेंड ईयर के, 4 पेपर फर्स्ट ईयर के बाकी थे। तो उसको क्या करती थी, जो ट्रेनिंग का समय था सवेरे, वो 7:30 बजे उठ के एक रिग्रेस ट्रेनिंग पर जाती थी RSMM जैसी कंपनी में, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद 5 से 7, 7:30 बजे तक कोचिंग लेती थी। दिमाग में ये बात क्लियर थी कि मुझे बैग क्लियर करनी है, तो जब रिजल्ट आया तो 14 पेपर क्लियर किया, आप लोग मान सकते हैं 14 पेपर क्लियर किए। तो इसे इस लेवल का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आप लोगों का होना चाहिए, तभी आप जाके पेपर को क्लियर कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपका 40% रोल निभाता है, तो ऊपर के 3 पार्ट तो 60% रोल निभाते हैं, बाकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन 40% रोल अदा करता है। मैंने बच्चों को 19 पेपर 15 पेपर क्लियर करते हुए देखा है। तो इसी तरह आप लोग भी मेहनत कीजिए, दम लगा के पढ़िए, टिप्स के साथ पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, तो आप लोग भी एग्ज़ाम में 110% पास होंगे। और दिमाग में सेट रखिए, पास होना है तो होना है, भले ही कुछ भी हो जावे। इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ, और आप लोग क्या करिए, मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं आगे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेता हूँ, वो वीडियोज़ को देखिए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आइए। और अच्छा रिजल्ट कहता है आप लोगों का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइए कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, और ऊपर की 3 टिप्स को आराम से अवश्य ही फॉलो करें, तभी जाकर आपका रिजल्ट अच्छा हो पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।